बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में वो कहता है, 10 के ए पार्ट, कि टी इज सोल्ड इन पैकेजेस मार्क्ड 750 ग्राम्स। चाय जो है वो सेल की जाती है पैकेजेस के हिसाब से मार्क्ड 750 ग्राम्स। अब देखें, द मैसेज ऑफ पैकेजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले आपने कहना लेट एक्स इज इक्वल टू मैसेज ऑफ द पैकेजेस इन ग्राम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पहले हमें एक्स मिल गया है और ये भी उसने बता दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से करना है। अब वो आगे कहता है विद मीन भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मीन दिया है उसने 760 ग्राम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इफ लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस आर अंडर वेटेड। जिनका वेट कम है तो सिंपली हम यूज करें एक्स लेस देन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्मा इफ लेस देन 1% ऑफ द आइटम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लेस देन 750 ग्राम्स इज इक्वल टू 1%। अब उसने ग्राम की बात किया, वही हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो उसने पहले ही बता दिया 750 ग्राम है। ग्राम में हमेशा मास होता है, मास की जो इकाई है वो ग्राम, इसलिए मैंने यहाँ 750 लगाया है जो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ लेस देन 1% ऑफ द एटम्स आर अंडरवेटेड। ठीक है, पहले इसे जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 750 ग्राम माइनस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। 0.01 ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन 750 माइनस म्यू म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, म्यू की वैल्यू हमारे पास है 760 डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा हमने फाइंड करना है 0.01। यहाँ जब आपको पता है लेस देन का साइन यूज़ हुआ तो डायरेक्ट 5 यूज़ करते हैं, 750 माइनस 760 डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0.01। अब आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पे ले जाना है, ये हो जाएगा 5 इनवर्स, फाइव आगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ये देखें, फाइव इन्वर्स हो जाए 0.01, 0.0 की रो में देखना है, 0.01 के कॉलम के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास आ रही है -2.3263, ये आ जाएगा 750 में से 760 माइनस करें तो हमारे पास -10 आता है डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 263, ये -10 आ जाएगा। इसको 10 को डिवाइड करेंगे -2.3263 में तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट आपको एक बात बताता जाऊँ लेक्चर के दौरान ही, कि सिग्मा की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, क्योंकि ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जिनकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। वेरिएंस आ जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो पॉपुलेशन का हो या सैंपल का, इनकी वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आती। अगर माइनस में आपने वैल्यू लिख दी, आपका क्वेश्चन किसी हिसाब से गलत हो जाता है, माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो हम पहले आंसर को देखते हैं और सारा क्वेश्चन कैंसिल कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है,